आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण में जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। क्या बोला, दो प्रकार का मिश्रण है, पहले प्रकार के मिश्रण में 4:1 के अनुपात में पानी शरबत, दूसरे प्रकार के मिश्रण में 3:1 के अनुपात में पानी और शरबत है, उनको इस अनुपात में मिलाना है और मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी शरबत का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। तो दे क्या रहा है, पानी और शरबत लिखेंगे, पानी और शरबत, पहले प्रकार का मिश्रण और दूसरे प्रकार का मिश्रण। पहले प्रकार के मिश्रण में कितना, 4:1 के अनुपात में क्या है, पानी और शरबत है। दूसरे प्रकार के मिश्रण में 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में पानी और शरबत है। अब इस प्रकार के प्रश्न में क्या करें, सबसे पहले हम लोग दोनों मिश्रण को बराबर करेंगे, यानी पहले प्रकार का मिश्रण बराबर दूसरे प्रकार का मिश्रण करेंगे। कहने का मतलब क्या है, 4:1 का योगफल कितना आएगा, 5, 3:1 का योगफल 4, यानी कि यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, दोनों जगह समान संख्या होना चाहिए। क्या करना है, बराबर यानी समान करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, आएगा 20। इसका मतलब इस 5 को 20 बनाना होगा और इस 4 को भी 20 बनाना होगा। अब इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, क्योंकि इसमें 4 से गुना किए हैं इसलिए इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, इसको भी 20 बनाएंगे और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा, और जब इसमें 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे और इसमें भी 5 से गुना करेंगे, क्योंकि सब एक ही अनुपात में है। ये हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया हम लोग का, 5:20 5:20 मिश्रण हम लोग का बराबर हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग दोनों मिश्रण को मिलाएंगे, किस अनुपात में मिलाना है, बोल रहा है 1:2 के अनुपात में, यानी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि समान मात्रा मिलाना है, तो यही से हम लोग का काम हो जाता था, लेकिन ये बोल रहा है कि 1:2 के अनुपात में, यानी पहले वाले मिश्रण का 1 भाग और दूसरे वाले का 2 भाग, तो पहले वाले का 1 भाग, इसलिए पहले वाले में 1 से गुना करेंगे और यहाँ गुना हुआ है तो इसमें भी होगा और इसमें भी 1 से गुना हो जाएगा। दूसरे वाले का कितना भाग लेना है, 2 भाग, यानी कि इसमें 2 से गुना हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। अब गुना करके हम लोग लिख लेंगे, 4 चौक 16 लिख लेंगे, 16, 4 में 1 से करेंगे कितना आएगा, 4, 5 3 15 2 30, 5 2 10। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रह गया है, खत्म हो गया, यानी फाइनल हम लोग का अनुपात जो आया 16:4 और 30:10 के अनुपात में, कब, जब दोनों मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिश्रित करेंगे तब। तो मिश्रित करने के बाद हो कितना जाएगा, यानी कि 1:2 के अनुपात में हम लोग अभी बांट लिए हैं, बांट लिए हैं तो क्या, बांटने के बाद क्या करना है, मिलाना भी है, तो 16 यहाँ 30 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 3 1 4 46, ये 4 ये 10 14 अनुपात में काट देंगे, 23 2 46 7 2 14, यानी कि अंतिम मिश्रण जो बनेगा उसमें शरबत पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा, 23:7 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात इतना है और दूसरे मिश्रण में इतना है,
उन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है, तो अंतिम मिश्रण में पानी स्क्वायर का अनुपात क्या होगा ये ज्ञात करना है। पिछला प्रश्न सेम टू सेम है। सबसे पहले देखें क्या पानी स्क्वायर वाटर है और स्क्वायर है, पहले प्रकार का मिश्रण दूसरे प्रकार का मिश्रण कितना है, पहले प्रकार में पानी स्क्वायर 5:1 5:1 के अनुपात में, और दूसरे प्रकार में 3:1 के अनुपात में 3:1 के अनुपात में। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण दोनों को समान बनाते हैं, तो समान बनाने के लिए देखेंगे कि टोटल है कितना 5:1 6 3:1 4। अब दोनों को समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे 12, यानी कि इसको 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। अब इसको 12 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से, जब यहाँ 2 से किए हैं तो इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, यानी पूरे लाइन में 2 से गुना होगा इसके लाइन में। अब इसको 12 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से किए हैं तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा। देख लेंगे हम लोग 6 × 12 4 × 12 क्या हुआ, दोनों मिश्रण अभी बराबर हो गया है। लेकिन ये तो बराबर हुआ, मिलाना किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। 3:2 का मतलब पहले वाले मिश्रण का 3 भाग और दूसरे वाले का 2 भाग, यानी पहले वाले में 3 से गुना और दूसरे वाले में 2 से गुना, इसमें 2 से गुना। लेकिन यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा और यहाँ भी 3 से होगा, यहाँ 2 से हुआ है तो यहाँ भी 2 से होगा और यहाँ भी 2 से हो जाएगा। गुना कर लेंगे 5 × 10 = 30, ये हो गया 30, 3 × 6, 3 × 9 = 18, 3 × 6। क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे हम लोग क्योंकि इसी का मान ये आया है, इसको हटा लिए। क्या बोलेंगे हम लोग कि दोनों मिश्रण को 3:2 के अनुपात में मिलाने के लिए हम लोग का पानी स्क्वायर का जो अनुपात है पहले वाले में 30:6 है और दूसरे अनुपात में 18:6 है, मिला देंगे तो कितना आएगा, 30 यहाँ 18 यहाँ, 8 × 3 = 4 48 6 × 6 = 12 अनुपात में है, इसलिए 12 × 1 = 12 12 × 6 = 48 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4:1 के अनुपात में क्या होगा, पानी स्क्वायर का अनुपात होगा। कब, दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाकर के 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे तब। हम लोग का अगला प्रश्न है, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। शुद्ध दूध कितना है 50 लीटर, 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और दूध निकालने के बाद दूध के जगह क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, कितना बार, 3 बार यही काम किया जाता है, तो अंततः यानी अंतिम में पानी और दूध के बीच के का क्या अनुपात होगा ज्ञात करना है। तो 50 लीटर में 10 लीटर क्या किया गया, निकाल लिया गया, टोटल कितना 50, 50 में 10 किया क्या किया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है, यानी किस अनुपात में निकाला जा रहा है, इसको हम लोग निकालेंगे तो 5:0 गया, यानी 5:1 निकाल लिया गया। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ टोटल मिश्रण और ये हो गया हम लोग का शेष यानी रिमाइंडर, शेष हो जाएगा टोटल कितना पांच, 5 में से 1 भाग क्या किया गया, दूध निकाल लिया गया, तो दूध 1 भाग निकाल लिया, 10 निकाल लिया गया, 50 में से 10 यानी हम लोग पढ़ेंगे इसको 5 में से 1 भाग निकाल लिया गया, तो शेष दूध बचेगा कितना, 4 लीटर। शेष दूध कितना बचेगा, 4 लीटर। लेकिन यही काम कितना बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 3 बार, 5 4 5 4, 3 बार लिखा गया। क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 50 25 5 125 4 4 16
64, ये हम लोग का हो गया कौन सा नियम, सक्सेसिव रूल। ये क्या हुआ टोटल, टोटल यानी कि पहले जितना मिश्रण था और ये क्या हो गया बचा हुआ दूध, बचा हुआ क्या शेष मिल्क या शेष क्या बोलेंगे हम लोग दूध बोलेंगे, ये दूध है। पूछ क्या रहा है पानी और दूध के बीच का अनुपात, तो दूध तो हम लोग का 64 है, किसमें टोटल 125 में, तो 125 में 64 दूध, तो कितना हम लोग का बचेगा, तो 125 में 125 टोटल था जिसमें शेष दूध है, तो बाकी क्या है तो 1, 6, 6, 12, 61 यानी कि 61 क्या हो गया हम लोग का ये पानी है, तो वाटर एंड मिल्क किस अनुपात में 61:64 के अनुपात में, ये हम लोग का टोटल आया। यानी टोटल क्या था पहले मिश्रण था, इस पूरे मिश्रण में यानी जैसे जैसे हम लोग दूध को निकालते गए और पानी मिलाते गए तो टोटल मिश्रण यह है, यानी पानी और दूध का मिश्रण ये है, जबकि ये क्या है बचा हुआ दूध, तो बचा हुआ दूध 64 और इसमें पानी और दूध मिला हुआ है, तो पानी और दूध में से दूध को घटा लिए तो जो बचेगा क्या आएगा पानी आएगा, यानी कि ये पानी हो गया और ये हो गया हम लोग का दूध, तो पानी और दूध का अनुपात कितना हो गया 61:64 ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है किसी खाद्य पदार्थ में, खाद्य मतलब खाया जाने वाला वस्तु, चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात इतना था, एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात इतना हो जाए, एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा मिलाया था, क्या बोल रहा है चीनी और आटे का अनुपात दे रहा है, चीनी हो गया हम लोग का और आटा हो गया, चीनी आटा का अनुपात कितना पहले 17:28 था, पहले कितना था 17:28 था, क्या मिलाया आटा मिला दिया गया, आटा और मिला दिया यानी आटा में कुछ न कुछ क्या किया गया वृद्धि किया गया, तो आटा के मात्रा में वृद्धि करने के बाद नया चीनी और आटा का अनुपात 2:5 हो जाता है, कितना हो जाता है 2:5 के अनुपात में, मिलाया क्या गया यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आटा मिलाया गया यानी आटे की मात्रा में वृद्धि हुआ, तो चीनी के मात्रा में वृद्धि होना चाहिए नहीं, जब मिलाए हैं आटा तो चीनी में कैसे वृद्धि होगा, यानी चीनी जितना था उतना ही रहना चाहिए, जबकि अभी क्या दिख रहा है यहाँ दिख रहा है 17 और यहाँ 2 यानी कि चीनी के मात्रा को क्या करना होगा हम लोग को समान करना होगा, कैसे करेंगे 17 और 2 का एलसीएम निकालेंगे आएगा 34 यानी कि 17 को कितना बनाएंगे 34, इसके लिए 2 से गुना करना होगा और इसमें 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ तो 34 हो गया लेकिन इसको भी 34 करना है क्योंकि जितना एलसीएम आया है उतना ही चीनी का मात्रा होना चाहिए, तो यहाँ तो चीनी 34 आ गया लेकिन यहाँ नहीं आया, कैसे आएगा यहाँ 17 से करेंगे, 17 से इसमें किए तो 17 से यहाँ भी गुना करना पड़ जाएगा, तो हो कितना गया हम लोग का ये हो गया 17 × 34 और ये 28 × 56 ये हो गया 34 और ये 17 × 5 = 85 यानी कि इससे कोई मतलब हम लोग को अब नहीं रहा, हम लोग का जो नया अनुपात आया है उसी से मतलब रखना है, यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले चीनी और आटा का अनुपात 34:56 था, जब आटा मिला दिया गया तो आटा मिलाने के बाद नया अनुपात 34 और 85 हो गया, तो आटा के मात्रा में वृद्धि कितना हुआ तो 56 से 85 कितना बढ़ गया 9, 6, 15, 5, 1, 6, 2, 8, 29 कितना हो गया 29 यानी इसी 29 का मान हम लोग को निकालना है, लेकिन ये 29 का मान आएगा कहाँ से जब तक 1 का मान नहीं आएगा, और 1 का मान कहाँ से आएगा क्या बोल रहा है एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में किसमें
चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात इतना था। इतना मतलब कितना, अनुपात में 17-28 लेकिन टोटल कितना 27 किलोग्राम, यानी कि इसको और इसको जोड़ने पर प्रारंभिक अनुपात ही तो है। तो चीनी और आटा का प्रारंभिक अनुपात जितना था उसका योग ये दे रहा है। तो प्रारंभिक अनुपात हम लोग का कितना है 34-56, तो टोटल कितना आ गया 34-56 का योग 6, 4, 10, 1, 5, 3, 8, 1, 9, हम लोग का टोटल कितना आ रहा है प्रारंभिक अनुपात योगफल 90। और ये बोला कि कितना था मिश्रण हम लोग का 27 किलोग्राम, यानी 90 का मान 27 केजी। एक का मान कितना हो जाएगा 9 दहिए 90 9 तिया 27। अब एक का मान निकालेंगे तो 10 में 1 से भाग देंगे एक बार में, इसमें क्या होगा 10 से भाग जाएगा नहीं तो 3/10, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.3। एक का मान कितना आ गया 0.3, तो 29 का मान कितना हो जाएगा एक के मान से यानी 0.3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ 2 2 6 2 8, एक अंक के बाद दशमलव है तो इधर से लेंगे, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा हम लोग का केजी में। क्यों, क्योंकि ये क्या दे रहा है किलोग्राम यानी केजी में दे रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 8.7 केजी, क्या था आटा मिलाया गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, शरबत के दो मिश्रण, पहले मिश्रण में पानी शरबत का अनुपात इतना है, दूसरे मिश्रण में इतना है, दोनों को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है, तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा ज्ञात कीजिए। ये पूरा प्रश्न जो है इसी क्लास में हम लोग अभी पढ़े हैं, पहला और दूसरा प्रश्न जो है इसी प्रकार का प्रश्न है, यानी वो आपको समझ में आया होगा तो ये भी बन जाएगा, इसको खुद से बना करके ट्राई कीजिए। फिलहाल इसको हम बता देते हैं क्या हो रहा है, पानी शरबत किस अनुपात में 4:3 के अनुपात में है, क्या पहले मिश्रण में। दूसरे प्रकार का मिश्रण 3:2 के अनुपात में है पानी शरबत, क्या करते हैं सबसे पहले योगफल निकालेंगे 4 3 7 3 2 5, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोनों मिश्रण को बराबर करते हैं, यानी फिलहाल के लिए इसको भूल जाएंगे किस अनुपात मिलाना है, बराबर करेंगे तो 7 और 5 को बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे 7 × 5 = 35, यानी कि इसको 35 बनाएंगे, इसको 35 बनाने के लिए 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 5 से गुना होगा और यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा, इसको भी 35 बनाना है, इसको 35 बनाने के लिए 7 से गुना और यहाँ 7 से किए तो यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से, ये तो हो गया हम लोग का बराबर 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, क्या हुआ दोनों मिश्रण बराबर हो चुका है, यानी कि पहला मिश्रण बराबर दूसरा मिश्रण हो गया है। मिलाना है किस अनुपात में 1:2 के अनुपात में, यानी कि पहले वाले में 1 से गुना दूसरे वाले में 2 से गुना, तो पहले वाले में 1 से गुना तो यहाँ भी गुना हो जाएगा 1 से, यहाँ भी 1 से, दूसरे वाले में 2 से यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 5 × 20, 5 × 3 = 15, 7 × 21 = 42, 7 × 14 = 28, क्या करना है इसको छोड़ देना है, छोड़ दिए तो नया क्या मान आ गया हम लोग को 1:2 के अनुपात में मिलाने के लिए हम लोग का पहले वाले में पानी और शरबत 20-15 और दूसरे वाले में 42-28 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पानी यहाँ 42 पानी यहाँ कितना 2 × 4 = 6 = 62, 15 शरबत यहाँ 28 शरबत यहाँ तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 2 × 1 = 3 × 4 = 43, यानी कि तीसरे प्रकार का जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी और शरबत का अनुपात कितना हो जाएगा 62:43 ऑप्शन नंबर बी।